ऑफ ईच द फॉलोइंग. सो द फर्स्ट वन है 64. हमको इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएंगे ये निकालना है. बट द थिंग इज विदाउट एक्चुअली डूइंग द कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन नहीं करना है. ऐसे तो हम बता देंगे 8 8 जार 64, दैट मीन्स उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आए, 1 डिजिट, ठीक है. लेकिन बगैर हमें कैलकुलेशन के बताना है, ठीक है. तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 64 लिखते हैं, इसके ऊपर कितने बार्स आएंगे, ठीक है. देयर आर टू मेथड, मैं आपको दोनों बताती हूँ. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस से वील मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. जब हम बार लगाते हैं ऐसे ही तो लगाते हैं, दो नंबर पे एक साथ बार्स लगाते हैं, राइट. तो दैट मीन्स इसके ऊपर कितने नंबर ऑफ बार्स आए, इट हैज़ गॉट 1 बार, ठीक है. दैट मीन्स क्या हुआ कि इसका जो स्क्वेयर रूट होगा इट विल हैव 1 डिजिट, राइट. अगर यहाँ पे 4 डिजिट्स होते इस नंबर में, सपोज 1 2 3 4, ठीक है. इतने डिजिट्स का अगर ये नंबर होता, मैं बार लगाती, एक बार 34 पे लगाती, एक बार लगाती 12 पे, तो इसके अंदर कितने बार्स आ गए, 2 बार. दैट मीन्स इसके स्क्वेयर रूट में 2 डिजिट्स आएगा, राइट. देयर इज़ वन मोर वे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वेयर रूट, दैट इज इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट्स आर इवन. अगर ये डिजिट्स इवन है, ठीक है, दे आर 2 डिजिट, 2 डिजिट है यहाँ पर इवन है, तो इसके स्क्वेयर रूट में कितने डिजिट्स हो जाएंगे, एन बाय टू. वॉट इज एन हेयर, कितने डिजिट्स हैं, 1 2, एन इज 2 हेयर, ठीक. 2 बाय 2 इज 1, दैट मीन्स इसका जो स्क्वेयर रूट होगा इट विल हैव ओनली 1 डिजिट, राइट. नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड बार, इट इज 144. अगर मैं बार वाले मेथड से करती हूँ तो 1 बार इसके ऊपर आएगा सेकेंड बार, राइट. दैट मीन्स इट विल हैव 2 बार्स, इसके अंदर 1 बार, 2 बार्स आए यहाँ पे. इसका मतलब क्या हुआ, इट विल हैव 2 डिजिट्स इन द स्क्वेयर रूट. जो स्क्वेयर रूट होगा उसके भी में भी 2 ही डिजिट्स आएंगे, राइट. अब मैं एन वाले मेथड से करती हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, ऑड हैं, राइट. तो एन बाय टू विल नॉट वर्क, फिर क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 बाय 2, दैट मीन्स हेयर एन इज 1 2 3, राइट. 3 डिजिट्स इसमें, एन प्लस 1 बाय 2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 इज 4 बाय 2, दैट मीन्स 2 डिजिट्स, राइट. तो हमें दोनों मेथड से सेम आंसर मिल रहा है. नाउ वील डू द सी पार्ट, थर्ड पार्ट इज 4489. अगेन अगर मैं बार वाले मेथड से कर रही हूँ, आई विल पुट 1 बार हियर, आई विल पुट अनदर बार, तो इसमें कितने बार्स आए हैं, 2 बार्स, राइट. दैट मीन्स इसका जो स्क्वेयर रूट होगा इट विल हैव 2 डिजिट्स. इफ़ आई डू दिस बाय एन मेथड, एन बाय 2, यहाँ पे इवन नंबर है 1 2 3 4, राइट. तो ये कितना हो जाएगा, 4 बाय 2, करेक्ट. दिस विल बी 2 2s are 4, सो द आंसर इज 2 हेयर अगेन, राइट. नाउ वील डू द फोर्थ पार्ट, फोर्थ इज 2 7 2 2 5. इधर एक बार आएगा 2 डिजिट पे, हेयर विल पुट अनदर बार एंड हेयर आई विल पुट अनदर बार, राइट. सो 1 2 3, इट विल हैव 3 बार्स, 3 बार्स आए यहाँ पर. दैट मीन्स इसका जो स्क्वेयर रूट होगा उसमें कितने डिजिट्स आएंगे, 3 डिजिट्स, राइट. अगर मैं एन वाली मेथड से करती हूँ तो ये ऑड नंबर है 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा, एन प्लस 1 बाय 2, दिस विल बी 5 प्लस 1 बाय 2, कितना हो जाएगा, 6 बाय 2 इज 3. दैट मीन्स इसका जो स्क्वेयर रूट होगा, आंसर होगा, उसमें भी 3 डिजिट्स होंगे, राइट. नाउ वील डू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 390625, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6. क्या करेंगे, विल स्टार्ट पुटिंग द बार्स, दो दो के पैर में बार लगाएंगे, कितने बार हैं यहाँ पे, 3 बार्स. दैट मीन्स इसका जो स्क्वेयर रूट होगा इट विल ऑल्सो हैव 3 डिजिट्स, राइट. अगर मैं एन वाले मेथड से कर रही हूँ तो इसके अंदर इवन नंबर्स हैं, सो इट विल हैव एन बाय 2, दैट मीन्स 6 बाय 2
दैट इज थ्री डिजिट्स अगेन द आंसर इज कमिंग द सेम थ्री डिजिट्स. ठीक है, तो यू कैन चूज एनी ऑफ द मेथड. मैंने आपको दोनों यहाँ पे बता दिए. ओके क्लियर. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.